यस दियर स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकेंड पार्ट ऑफ लैंडस्केप ऑफ द सोल ये पैराग्राफ मुझे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द इयर इन फिफ्टींथ सेंचुरी एंड वॉप ये मास्टर ब्लैक स्मिथ कार्ल क्विंटन मिटसीज फेल इन लव विथ ए पेंटर्स डाटर द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन ला इन सच ए प्रोफेशन इन फिफ्टीन सेंचुरी पंद्रहवीं शताब्दी में एंट वॉप एक प्लेस का नाम है यहाँ पर एक मास्टर ब्लैक स्मिथ एक लोहार था कॉल्ड क्विंटन मिटसिज फेल इन लव क्विंटन मिटसिज था जो फेल इन लव एक प्रेम में पड़ गया एक पेंटर के लड़की के प्रेम में पड़ गया द फादर वुड नॉट एसेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन लेकिन उसका जो फादर होता है वुड नॉट एक्सेप्ट उसको जो है दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करता जो इस तरह का प्रोफेशन करता हो सो क्विंटन स्निग्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो इसलिए वह जो क्विंटन ब्लैक स्मिथ लोहार था स्निग्ड इनटू धीरे से घुस गया पेंटर के स्टूडियो में एंड पेंटेड ए फ्लाई और एक मक्खी का उसने चित्र बना दिया कहाँ बना दिया ऑन हिज लेटेस्ट पैनल उसके लेटेस्ट पैनल पे पैनल वो जो पेंटिंग का पैनल रखा था बनाया हुआ था उसी पैनल पे उसने एक मक्खी बना दिया पैनल जो बोर्ड होता है पेंटिंग बोर्ड पे उसने बना दिया विथ सच डेलिकेट रियलिज्म इतनी बारीकी से और यथार्थता से बनाया था डैट की द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट उस मालिक ने मास्टर मीन्स पेंटर पेंटर उसको उड़ाने का प्रयास करने लगा अवे बिफोर ही रियलाइज इससे पहले कि उसे पता चलता व्हाट हैड हैपेन कि रियलिटी क्या है क्या घटित हुआ था मतलब रियलिटी क्या है यानी उसने जब उस मक्खी को देखा वेन द दे पेंटर सा there was fly which was painted on his panel so he thought that it was really a fly so he tried to he tried to sweat it but he found that no it was पेंटिंग विच हैड बीन मेड बाय सम लेटर ही केम टू नो बाद में उसे पता चलता है कि सच्चाई क्या है क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इन टू हिज स्टूडियो और फिर उसके बाद क्विंटन को ये रियली really, एक्चुअली जो है क्विंटन से इतना ये प्रभावित हो गया कि उसको इसने स्वीकार कर लिया अपने अप्रेंटिस का काम दे दिया अपने स्टूडियो में एडमिट कर लिया ही मैरिड हिज विल और फिर बाद में वह जो ब्लैक स्मिथ था क्विंटन जो था वो अपनी प्रेमिका से शादी कर लिया एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ इज दिस एज ऑफ इज एज और फिर अपने युग का वो सबसे मशहूर पेंटर बन गया दिस टू स्टोरीज स्ट्रेट ये दो कहानियाँ हमें ये उदाहरण देती हैं, हमें बताती हैं वाट इज फॉर्म ऑफ आर्ट कि कला का वास्तविक रूप क्या है और यह क्या अचीव कर रहा है यानी कला का वास्तविक रूप क्या है और यह क्या अचीव करता है यह परफेक्ट एक पूर्णता इल्यूजिनेस्टिक लाइकनेस एक भ्रम वाला समानता एक भ्रमिक इल्यूजन मीन्स होता है भ्रम भ्रमिक एक समानता और यूरोप में जो इनर लाइफ की और एशिया की आत्मा है जो एशिया की आत्मा है और आंतरिक जीवन की जरूरत है इस लाइन को फिर से बता दे रहा हूँ बच्चों गॉयस गाइस द दीज टू स्टोरीज इन स्टेट दो कहानियाँ हमें बताती हैं कि कला का वास्तविक रूप क्या है कला क्या चीज़ अचीव करता है एक पूर्णता एक भ्रमिक कन्फ्यूजन से भरा हुआ एक समानता यूरोप में और यह एशिया की आत्मा है और आंतरिक जीवन की जरूरत है क्या जरूरत है कला इन द चाइनीज स्टोरी चीन की कहानियों में देखा जाए तो द इम्पर कमीशंस जो वहाँ का शासक होता है वो आदेश देता है एक पेंटर को एंड ए पेंटिंग ए पेंटिंग को आदेश देता है मतलब एक पेंटर को आदेश देता है पेंटिंग करने के लिए एंड अप्रिसिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस और इसके बाहरी रूप का प्रशंसा करता है यानी किसी पेंटिंग ने किसी पेंटर ने पेंटिंग बना के कि किसी सम्राट को दिया तो सम्राट उस पेंटिंग के बाहरी स्वरूप बाहरी सुंदरता की प्रशंसा करता है बट द आर्टिस्ट रिविल्स लेकिन कलाकार सिर्फ प्रकट करता है तो ही मुझे बताता है द ट्रू मीनिंग ऑफ हिस वर्क कि उसके पेंटिंग का सही अर्थ क्या है द इम्पर में रूल ओवर द टेरिटरी एक साम्राज्य पे एक राज्य पे एक शासक शासन कर सकता है ही हैज कंकट जिस राज्य को जिस साम्राज्य को उसने जीता है जीत लिया है बट वनली द आर्टिस्ट नोज लेकिन केवल यह कलाकार जानता है द वे वह रास्ता विथ उसका रास्ता यानी उस साम्राज्य का उस राज्य का आंतरिक रास्ता सिर्फ एक कलाकार को आर्टिस्ट को पता होता है कि राज्य के अंदर क्या है कौन सी सुंदरता है कहाँ पहाड़ है कहाँ समुद्र है इसकी नेचुरल ब्यूटी क्या है उसका रास्ता सिर्फ एक पेंटर बता सकता है सम्राट नहीं लेट मी शो द वे दाओ दाओ ने कहा है लेट मी शो द वे आओ लेट मी शो मुझे देखने दो द वे रास्ता ये वर्ड एक शब्द ऐसा है दैट मीन्स जिसका मतलब दोनों होता है रास्ता और विधि एंड द मिस्टीरियस वॉक्स और जो रहस्यों से भरे हुए कार्य हैं ऑफ़ द यूनिवर्स इस ब्रह्मांड के यानी रहस्यों से भरे हुए कार्य इस ब्रह्मांड के हैं द पेंटिंग इज गान पेंटिंग चला गया पेंटिंग बनाने पेंटिंग क्या हो गया है समाप्त हो गया है बट द आर्टिस्ट लेकिन जो उसको बनाने वाला कलाकार है हैज़ रिच्ड हिज गोल वह अपने गोल को अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस और उसका जो जो चीज़ जो गोल वो उद्देश्य किया है वह मटेरियलिज्म से जुड़ा हुआ नहीं है अर्थात सांसारिक उपलब्धि से परे है ओके गाइस आई थिंक दैट वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसको यही ब्रेक करते हैं नेक्स्ट पार्ट हम इसका बनाएंगे और आई थिंक दैट दैट पार्ट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल ओके बाय